हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकुश कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यू। आपको हम कुछ बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और ये आप पहले सॉल्व करिएगा, फिर हमें आंसर दीजिएगा, फिर हम आपको इसको आंसर की आपको बताएंगे या इसकी जो आंसर की है वो हम आपको अपडेट कराएंगे। और इसमें हम आप लगभग 3 से 4 या 5 सेकेंड लेंगे पर क्वेश्चन में, आप इसको सॉल्व करके बताते रहिएगा। द होस्ट बैक्टीरियम फॉलोज द इंस्ट्रक्शन ऑफ द, तो इसका ऑप्शन क्या है? तो पहले से उसको हमने क्लियर करके रखा था, फॉरेन आरडीएनए है या फॉरेन डीएनए बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैसिलस सबटिलिस एंड स्टेप्टोमाइसिस स्पीसीज आर प्रोकैरियोट व्हिच आर यूज्ड एज होस्ट फॉर इंट्रोड्यूसिंग। तो अब बताइए गए 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका ऑप्शन सही है आरडीएनए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट सुटेबल वेक्टर्स आर, तो इनमें कौन सा मोस्ट सुटेबल वेक्टर्स है? तो आप बताइएगा, आपके लिए 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो बैक्टीरियोफेज है। नेक्स्ट देखते हैं, रेप्लिकॉन्स आर आल्सो नोन एज, तो रेप्लिकॉन्स आर आल्सो नोन एज किसके नाम से जानते हैं? पांच सेकेंड का समय दिया जाता है आपको। तो हमारा सही आंसर है वेक्टर्स। ऑप्शन सही क्या है? वेक्टर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से कौन सी ऐसी ब्रांच है जो बायोटेक्नोलॉजी की नहीं है? तो आप बताइएगा, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो सही आंसर है फिजियोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉलिकुलर क्लोनिंग इज आल्सो नोन एज, तो बताइएगा मॉलिकुलर क्लोनिंग आल्सो नोन एज, आपको 5 सेकंड का समय है, आप आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर है जीन क्लोनिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द आरडीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू दिस होस्ट, तो आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, आप इसका फटाफट आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर है ई कोलाई। क्या है? ई कोलाई, अर्थात एस्चेरिचिया कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम विटामिन्स वैक्सीन्स एंड बायोफर्टिलाइजर आर द प्रोडक्ट्स ऑफ, तो ये किसके प्रोडक्ट्स हैं? तो आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, फटाफट हमें आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी इज आल्सो नोन एज, किसके नाम से जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी को? डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी इज नोन एज, जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी होती है उसको किसके नाम से जानते हैं? आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। का सही आंसर है जीन मैनिपुलेशन। किसके नाम जानते हैं? जीन मैनिपुलेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस आर डिस्कवर्ड इन, रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस आर डिस्कवर्ड इन, कब डिस्कवर्ड किया गया और बताइएगा।
पांच सेकंड का समय है आपके पास। यह 1970 में 1970 में डिस्कवर किया गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्टेड विथ फ्लाइंग कलर्स इन द अर्ली जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्टेड विथ फ्लाइंग कलर्स इन द अर्ली बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन है। विथ फ्लाइंग कलर्स इन द अर्ली, पांच सेकंड का समय दिया जाता है आपको। तो इसका सही आंसर है 1970, अर्थात रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस इंजाइम भी 1970 में डिस्कवर किया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्टेड विथ फ्लाइंग कलर्स इन द अर्ली वो 1970। योगर्ट इज ए फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एम्प्लॉइंग, तो आप बताएगा फटाफट इसको, पांच सेकंड का समय है आपके पास। तो आंसर इसका है बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डोनर डीएनए फ्रेगमेंट एंड वेक्टर डीएनए फ्रेगमेंट आर ज्वाइंटेड टुगेदर बाय, किससे ज्वाइंट्स होते हैं दोनों, आपको पांच सेकंड का समय दिया जाता है। तो आप सब जानते हैं डीएनए लाइगेज से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज यूज द इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड प्रोड्यूस फूड एंड ड्रिंक्स, तो कौन यूज किया जाता है बताएगा। ऑप्शन ईस्ट सही है इसका, तो ईस्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंजाइम विच एक्ट लाइक द पेस्ट मॉलिक्यूल टू ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट, बताइएगा, पांच सेकंड का समय दिया जाता है। तो ऑप्शन सही है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज वाज डिस्कवर्ड इन किस सन में उसको डिस्कवर्ड किया गया था, आपके सामने चार ऑप्शन है फटाफट बताइएगा। तो सही ऑप्शन है 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैकेनिज्म विच हैज द एबिलिटी टू द इंजीनियर न्यू ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, तो ऑप्शन आपके पास है और फटाफट आप इसका आंसर दीजिएगा। सही ऑप्शन है जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक बाय द इंट्रोड्यूसिंग न्यू जीन्स एंड अल्टरिंग द जीनोम इज नोन एज, तो बताइएगा फटाफट। तो सही ऑप्शन है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। द मॉलिक्यूलर सीजर्स विच कट द डीएनए एट द स्पेसिफिक साइट आर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन है आपके सामने, उसे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए फाउंड इन द ई कोलाई इज, बताइएगा ऑप्शन फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ द डोनर डू नॉट द रेप्लीकेट इन द होस्ट दे आर अटैच्ड टू ए सुटेबल, ऑप्शन है फटाफट आंसर दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन सही है रेप्लिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अदर नेम ऑफ द हाइब्रिड डीएनए इज, हाइब्रिड डीएनए का दूसरा नाम क्या होता है। ज्वाइनिंग द डोनर डीएनए फ्रेगमेंट एंड द वेक्टर डीएनए फ्रेगमेंट विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम नोन एज, तो किसके नाम से जानते हैं, आपको ऑप्शन दिए हैं चार, फटाफट आंसर दीजिए। तो हम उसे स्प्लिसिंग के नाम से जानते हैं, किसके नाम जानते हैं, स्प्लिसिंग के नाम से जानते। वेक्टर आर आल्सो नोन एज, उसे हम क्लोनिंग व्हीकल के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द रीसेंट एंड फैसिनेटिंग ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इज, ऑप्शन बताइएगा, जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम जानते हैं। सुटेबल होस्ट इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग इन इंट्रोड्यूस डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ डोनर इज, तो इसका ऑप्शन सही है एस्चेरिचिया कोलाई। द डीएनए ऑफ द वेक्टर इज कट इन टू द फ्रेगमेंट बाय, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही,
हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताना ना भूलिएगा। और ये कुछ एमसीक्यू थे और जनरल एमसीक्यू थे, साधारण थे, बैठे बैठे कुछ क्वेश्चन मैं देख रहा था तो आपको मैंने वो उपलब्ध कराए, और आप इनको देखिएगा, आप हल करिएगा, आप देखिएगा कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, वो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।